मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के निजी स्कूल में एक बार फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता नजर आया है। हद तो तब पार हुई जब शिक्षा विभाग निजी संस्थाओं को संरक्षण देते नजर आया। वही स्कूल अपने विद्यार्थियों को धोखे में रखकर उनसे साल भर रेगुलर फीस वसूलता रहा और जब परीक्षा परिणाम की अंक सूची आई तो छात्र छात्राएं खुद के साथ धोखा खाया हुआ महसूस करने लगे, जिसको लेकर नाराज छात्र छात्राएं आंदोलन करने को मजबूर हैं। साथ ही स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर छात्र छात्राओं से बात की तो उनका कहना है कि बच्चे रेगुलर स्कूल गए, रेगुलर पढ़ाई की, रेगुलर पढ़ने की फीस दी है तो हमारी मार्कशीट पर प्राइवेट लिखा आना कहीं ना कहीं स्कूल के द्वारा छात्र छात्राओं के साथ धोखाधड़ी है। इस वर्ष की जो प्राइवेट लिखा आ रहा है ऑनलाइन उस पर तो उनको किसी मान्यता मिल गई है, तो इस बार तो अब जब उनकी मार्कशीट आएगी तो रेगुलर लिखा है। एडमिशन को लेकर के तो अभी मुझे जानकारी लगी है DO के द्वारा जो पत्र दिया गया है उसको लेकर के मेरे द्वारा SDO नरसिंहपुर को जो निर्देशित किया गया है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे और करने के बाद जो है पालन प्रतिवेदन मेरा सुरक्षित करेंगे। सर, जब सेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल में 10th में मेरा एडमिशन हुआ था तब वो रेगुलर बेसिस पे हुआ था, ये देख सकते हैं। पर जब हमारा रिजल्ट आया 25 मई 2023 में तब हमारी मार्कशीट में प्राइवेट शो हुआ था। हम लोग को एक साल हो गया इस स्कूल वालों ने हम लोग को उतना ही मार्कशीट नहीं दी है, हम लोग को रेगुलर करने वो दिया था एडमिशन कार्ड और हम लोग के मार्कशीट में प्राइवेट आया। हम लोग एक साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग को एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग की जॉब में प्रॉब्लम है और हम लोग की कोई सुनवाई नहीं जा रही है।